टेक्नोसाइन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टेक सरप्राइजेस रोजाना पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, टेक्नोसाइन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को पांच ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी जो स्मार्टफोन है उसे नए लेवल पर ले जा सकते हो। मतलब आपकी जो स्मार्टफोन है उसका स्पीड बूस्ट स्पीड आप उसे दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक नंबर वन यही है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसे हमेशा अप टू डेट रखिए, क्योंकि अप टू डेट रखने पर आपकी मोबाइल की फर्मवेयर हमेशा अप टू डेट रहेगा, तो वो बहुत ही आसानी से आपके सीपीयू उसे नए नए तरह से एडजस्ट कर पाएगा। तो ट्रिक्स नंबर टू यही है दोस्तों, आप अपने मोबाइल की सारी के सारी एनिमेशन सिस्टम एनिमेशन उन सब का ऑफ रखिए, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल के जो सिस्टम एनिमेशन है उसे अगर ऑफ रखेंगे तो फिर आपका फ़ोन डेफिनेटली 50% ज़्यादा फास्ट काम करेगा। मतलब क्योंकि जो एनिमेशन वो बहुत ही ज़्यादा सीपीयू को यूज़ करते हैं। और ट्रिक्स नंबर थ्री यही है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल का जो ऑटो साइन इन ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑटो साइन इन ऑप्शन इसे हमेशा ऑफ रखिए, क्योंकि ऑटो साइन इन ऑप्शन अगर हमेशा ऑन रहे तो फिर ये साइलेंटली आपके मोबाइल की सीपीयू यूज़ करते रहेगा और उसके साथ साथ आपका जो रैम वो भी यूज़ करेगा। तो फिर इसे हमेशा ऑफ रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड लेता है अपनी सीपीयू का। और ऑटो साइन इन को ऑफ करने के साथ साथ दोस्तों आप अपने मोबाइल का जो कैच मेमोरी है उसे भी हमेशा क्लियर कर दीजिए, या से यहाँ पर जाकर जो कैच कैच डेटा उसे भी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कैच डेटा अगर आप क्लियर करेंगे तो फिर आपकी जो मेमोरी वो बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाएगा। और ट्रिक नंबर फोर यही है दोस्तों, आप अपनी होम स्क्रीन पे अगर कोई भी ऐप रखे हो तो फिर उसे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि होम स्क्रीन पे अगर ऐप रहेगा तो फिर वो मोबाइल को एक्सेस करने में और भी टाइम लगेगा। तो फिर आप अपनी होम स्क्रीन को हमेशा ही क्लियर करके रखिए, और जो अनवांटेड एप्लीकेशन आपकी मोबाइल पर है उन अनवांटेड एप्लीकेशन को आप सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अगर एप्लीकेशन रहेगा और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन आपकी मोबाइल पर मौजूद है तो फिर आपकी मोबाइल ऑटोमेटिकली मेमोरी जो जाता रहेगा। और ट्रिक नंबर फाइव यही है दोस्तों, आप अपने मोबाइल का रूट कर लीजिए। रूट करने के बाद आपकी मोबाइल की सीपीयू की जो फुल स्पीड आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, और आप मन मुताबिक आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो रूट करने के बाद आप चाहे तो इस जो प्री इंस्टॉल्ड जो रोम है, जो यूआई है, आप उसे चेंज करके कोई भी फास्टर यूआई कस्टम रोम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आपकी मोबाइल को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फास्टर कर देगा। तो अपनी मोबाइल का रूट एक्सेस कर लीजिए। और आखिरी में दोस्तों, बट नॉट द लिस्टेड, कि आप अपने मोबाइल को एक वीकली या फिर मंथ में एक बार आप अपने मोबाइल को रीसेट कर लीजिए, पूरा का पूरा फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। तो फिर फैक्ट्री रीसेट करने पर क्या होगा, आपके मोबाइल का जो सारा का सारा जो बैड सेक्टर और जो डेटा जो कैच सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो बिल्कुल नए मोबाइल की तरह फिर से आ जाएगा। तो फिर आपकी मोबाइल बहुत फास्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक्स आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इसको अगर और भी ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज़ वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, क्योंकि एक कदम स्वच्छता की ओर।